एक बारबरी शेर कितना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होता है ये तो आप सभी जानते ही है, क्योंकि ये आज के समय के शेरों को भी आसानी से टक्कर दे सकते हैं। पर क्या होगा जब हम एक बारबरी शेर के सामने एक केव लायन को खड़ा कर देंगे? इनके इस मुकाबले में किसकी जीत होगी? यह जानने के लिए आज आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। वैसे तो ये दोनों ही जानवर हमारे इस धरती से विलुप्त तो हो चुके हैं, मगर बारबरी लायन की कुछ हाइब्रिड आज भी इस धरती पर मौजूद है। फिर भी इन दोनों का कभी आमना सामना ना हुआ है और ना हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों ही इस धरती पर अलग अलग टाइम जोन पर हुआ करते थे। जैसे कि बारबरी शेर आज से 100 साल पहले तक इस धरती पर हुआ करते थे, वही केव लायन आज से करीबन 13,000 साल पहले इस धरती पर पाए जाते थे, इसलिए इनका कभी आमना सामना हुआ ही नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम इनके साइज के बारे में चर्चा करते हैं। केव लायन की लंबाई 3.5 मीटर की होती है, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है, और इनके शोल्डर तक की हाइट 1.2 मीटर तक की हो सकती है। वहीं बारबरी लायन लंबाई में करीबन 3.5 मीटर, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है, और इनके शोल्डर तक की हाइट 1.1 मीटर तक की हो सकती है, और इनका सामान्य वजन 300 किलोग्राम तक का जा सकता है। वही केव लायन का सामान्य वजन 340 किलोग्राम तक का होता था। इस जानकारी के आधार पर आपको यह पता लग ही गया होगा कि केव लायन बारबरी शेर के मुकाबले साइज में काफी बड़े होते हैं, मगर हम सिर्फ इस जानकारी के आधार पर केव लायन को विजेता नहीं घोषित कर सकते। हमें विजेता चुनने के लिए इनकी कुछ और जानकारियों को भी जानना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि शेर हमेशा झुंड में ही रहा करते हैं, जिसे हम प्राइड कहते हैं, और इनका झुंड में रहना ही इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो हम आपको बता दें कि केव लायन और बारबरी लायन ये दोनों ही शेर झुंड में रहा करते हैं, मगर केव लायन को बारबरी लायन की तुलना में ज्यादा शिकार करने का एक्सपीरियंस होता है। तो आपको लग रहा होगा कि यह कैसे, क्योंकि ये दोनों ही झुंड में रहा करते थे, मगर हम आपको बता दें कि केव लायन आज से करीबन 1000 सालों पहले हमारे इस धरती पर रहा करते थे। तब आज के मुकाबले ज्यादा बड़े और ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद थे, जिनमें बाइसन, मैमथ, राइनो जैसे जानवर शामिल थे, और ये इन्हीं जानवरों का शिकार किया करते थे, जिस कारण केव लायन को शिकार करने का ज्यादा एक्सपीरियंस होता था। वही बारबरी लायन ज्यादातर आज के समय के राइनो और जिराफ का शिकार किया करता था, जो पहले के मौजूदा जानवरों की तुलना में कम शक्तिशाली है, और साथ ही केव लायन के पास ज्यादा मसल मास भी होता है, और मसल मास होने के साथ साथ इनका बाइट फोर्स भी काफी ज्यादा है। इनका बाइट फोर्स 1800 PSI के करीबन होता है। वही बारबरी लायन रफ्तार के मामले में इनसे काफी आगे है, क्योंकि ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग पाते हैं। वही केव लायन मात्र 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ही दौड़ पाते हैं, और एजिलिटी के मामले में भी बारबरी शेर केव लायन से आगे है, मगर यह दोनों ही स्टेमिना के मामले में एक बराबर ही है। हालांकि केव लायन ने बारबरी शेर को हथियारों के मामले में पीछे जरूर छोड़ दिया है, क्योंकि केव लायन के पास बारबरी लायन की तुलना में ज्यादा बड़े और ताकतवर पंजे हुआ करते थे। जैसे कि इनके पास 9 सेंटीमीटर बड़ी पंजे हुआ करते थे, और साथ ही इनके कैनाइन दांतों की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती थी, जो कि वाकई में काफी बड़ी है। वही बारबरी लायन के पास 8 सेंटीमीटर बड़े पंजे और साथ ही 7.8 सेंटीमीटर की नुकीली दांत हुआ करती थी, जिस कारण बारबरी शेर केव लायन से काफी पीछे है। हमें तो यह लगता है कि इस मुकाबले में केव लायन बड़ी ही आसानी से बारबरी शेर को धूल चटा देगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।